हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो फ्रेंड्स, ये था जियोग्राफी का सेकेंड टॉपिक लेके आए हम। इसमें हम आज बात करेंगे मानक समय के बारे में, जिसका कैसे निर्धारण होता है। दो टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे, हो सकता है एक वीडियो में कम्प्लीट करें और नहीं तो दूसरा वीडियो लेके आएंगे इस पर। तो ये अपना जियोग्राफी का सेकेंड लेक्चर है दोस्तों, और मानक समय और दूरस्थ बिंदु पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, पीसीएस क्वेश्चन, और उससे पहले समझाने की कोशिश करेंगे, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे। तो विभिन्न पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन वो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, मानक समय का निर्धारण कैसे होता है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कल हमने बात किया था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, आपको बताया था। तो देशांतर रेखाएं जो ये देख सकते हैं, आपको डायग्राम में हम बताएंगे तो समझाएंगे। तो ये होगी देशांतर रेखाओं में, इसको जो है इसको हम जीएमटी बोलते हैं। मान लो ये बीच वाली रेखा जो जीरो डिग्री से गुजरती है, जिसको जीरो डिग्री माना गया है, और वो जीएमटी है। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन के ग्रीनविच जगह से जाती है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच बोला जाता है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम के द्वारा यहाँ पे जीरो डिग्री माना गया है, और जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे तो समय बढ़ता जाएगा। पूर्व की दिशा में जाने पर समय बढ़ता जाता है, और पश्चिम में जाएंगे तो समय घटता जाएगा। और एक डिग्री में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो क्या 360 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी के द्वारा 360 डिग्री में घूमने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे, 24 आवर लगता है दोस्तों। तो 24 घंटे में कितना मिनट होता है, 1440 मिनट होता। तो एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेगा दोस्तों। तो 1440 को 360 से डिवाइड करते तो 4 मिनट आता है। तो इस तरह से भारतीय जो मानक समय है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएसटी बोलते हैं। भारतीय मानक समय को हम आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक रेखा यहां से निकलती हुई 5 राज्यों से निकलती है, और इलाहाबाद के नैनी प्लेस से निकलती है। ये दोस्तों याद रखना आपको, इलाहाबाद के नैनी शहर से निकलती हुई भारत के 5 राज्यों से जाती है। जो 5 राज्य आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से 5 राज्य, और ये क्वेश्चन काफी आया हुआ है। तो उससे पहले हमने जो बात किया था वो भूमध्य रेखा के बारे में बात किया था, और भूमध्य रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, और ये 5 राज्यों से निकलती है दोस्तों। तो 5 राज्य कौन कौन से, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, आईएसटी बोलते हैं। और जीरो डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल टाइम जिसके आधार पर माना जाता है, उसको आईएसटी बोलते हैं। आईएसटी भारतीय मानक समय, और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, और भारतीय मानक समय के लिए आईएसटी शॉर्ट में बोलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होगा। जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पे कितना दोस्तों अंतर हो जाएगा, 1 घंटे का। तो भारतीय मानक समय वो कितने डिग्री से निर्धारित किया गया, 82.5 है। 82.5 डिग्री के द्वारा भारतीय मानक समय है। तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट है, तो हम दोस्तों 82.5 × 4 करेंगे तो दोस्तों ये आता अपना 5 घंटा और 30 मिनट आएगा आपका। 5 घंटे 30 मिनट मतलब 330 मिनट आता, तो उसका यही होता 5 घंटा और 30 मिनट हो जाएगा आपका। तो ये था भारतीय मानक समय जो है वो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो हमें यह समझना है कि कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे दोस्तों। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो हम लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग में के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस 1992 का क्वेश्चन है। गुजरात का गांव 68 डिग्री 4 मिनट है, और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 3 मिनट। इसमें समय का अंतराल है 29 डिग्री 26 मिनट का, और अब इसको गुणा करेंगे 4 से तो लगभग 118 मिनट होगा। 118 मिनट 2 घंटे हो जाता है। 118 का मतलब होता है 2 घंटे। जो अरुणाचल प्रदेश का जो गांव है वो आपका 97 डिग्री और 30 मिनट पे, जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते हैं तो दिशा डिग्री बढ़ता जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश का गांव इधर है
वो 97 डिग्री आपका 30 मिनट है, और गुजरात का गांव जो भारत के सबसे पश्चिमी छोर पे है वो 68 डिग्री 4 मिनट है। अब इन दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे तो 29 डिग्री 26 मिनट आता है। इसको लगभग ले लेंगे तो भी ऑप्शन में आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मान लो आपको याद है कि भारत का जो भारत की स्थिति पूर्व से पश्चिम या देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी है, 68 डिग्री 4 मिनट है और 97.3, इनको दोनों को अंतर निकालेंगे 29.26 आता है। 29.26 को जब 4 से गुणा करेंगे, 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट, तो 29.26 को 4 से गुणा किया तो आपका आ गया 118 मिनट। तो 118 मतलब लगभग आपके 2 घंटे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, आईएएस प्री 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वान के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। भारतीय मानक समय कितना है दोस्तों, 10 बज रहे। भारतीय मानक समय किसके द्वारा निर्धारित होता है, वो हमें याद है 82.5 डिग्री के द्वारा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, भारतीय मानक समय 82.5 के द्वारा होता है, और प्लस 5 अपना जी ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है 5.5 घंटे। ये हो गया 92 में से 82.5 किया माइनस तो 9.5 आ गया, 9.5 इंटू 4 किया तो कितना आएगा, 38 मिनट आगे होगा। और 10 बजे यहाँ पे हो रहा भारतीय मानक समय, उसमें 38 जोड़ेंगे तो 10:38। तो ये दोस्तों आईएएस प्री का क्वेश्चन है, 1999 में आया हुआ। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ आ ही जाएगा। इस तरह से एक और ले लेते हैं ताकि एग्जांपल आपके समझ आ जाए। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्यान्ह है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मानक समय क्या होगा। 120 डिग्री माइनस भारतीय मानक समय 82.5 है तो 37.5 हो गए। 37.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 150 मिनट होता है, 150। और भारतीय मानक समय पर क्या है, मध्यान्ह, मध्यान्ह मतलब 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं तो 150 मिनट कितना होता है, 2.5 घंटा होता है। 12 बजे में 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो 1430 हो जाएगा आपका आंसर, 1430 या दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन लेने की कोशिश की और आपके आई थिंक समझ आया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तब जो ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन थोड़ा इसमें मैथ्स के लग रहे थे वो आप आई थिंक सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अलग से। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतीय यामोत्तर रेखा गुजरती है, जो मैंने बात किया था आईएसटी जो है वो 5 राज्य से गुजरती है, और 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ऐसे जो 5 राज्य हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, यूपी आ गया आपका ऊपर, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य। और ये क्वेश्चन देख लो आप दोस्तों कितनी बार रिपीट हुआ, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, तो इस तरह से ये रिपीट होता रहता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावनाएं रहती है। आईएसटी और जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है वो मैंने बता दिया दोस्तों, 5.5 घंटे का प्लस है न कि माइनस है। तो ये झारखंड पीसीएस और बीपीएससी में आया हुआ, तो इस तरह से राइट आंसर होगा 2। तो 5.5 घंटे कैसे होता है, 5.5 घंटे क्योंकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है, तो 82.5 को 4 से गुणा करोगे तो आप 5.5 घंटे आएगा। और जब पूर्व की दिशा में जाते हैं तो भारतीय समय पूर्व में ही है, तो पूर्व में जाते तो समय बढ़ता है और पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दूरस्थ बिंदु के बारे में, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, इस तरह से मैं मैप के साथ समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, मैप में सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है इसके बारे में। तो ये मैप है दोस्तों, पहले मैं सबसे पश्चिमी पॉइंट, भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर में ये पश्चिम दिशा होगी दोस्तों, ये वेस्ट है, मैप में कंफ्यूज नहीं रहना, ये ईस्ट है पूर्व, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में जो जगह है गुजरात राज्य के अंदर है, गोरा माता या गुहार मोती, जिसको क्या बोलते हैं, गोरा माता या गुहार मोती बोला जाता है। और नेक्स्ट जो है पूर्व में सबसे कौन सा है, की बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पॉइंट है की बिंदु। और उत्तर में दोस्तों कौन सा है, उत्तर में जो है आपको याद रखना है उत्तरी इंदिरा कॉल सियाचिन में है,
सियाचिन जो कि जम्मू कश्मीर में, उत्तरी बिंदु क्या बोला जाएगा, उत्तरी इंदिरा कॉल। इस तरह से दक्षिण में जाएंगे तो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, तो वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो इसको इंदिरा कॉल आपको याद रखना। ऊपर फोन कान के पास लगाते तो ऊपर की तरफ क्या होगा, इंदिरा कॉल होगा, और नीचे वाला क्या होगा, पॉइंट होगा। तो ये याद रखना है, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है आपके, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको। और जो मुख्य भूमि पर है वो क्या है, कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का मतलब ये तो आयरलैंड हो गया ना, अंडमान निकोबार तो आपका द्वीप समूह है, द्वीप समूह में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ऊपर वाले का क्या नाम है, इंदिरा कॉल। ये क्या है, गोरा माता या गुहार मोती, इसका नाम क्या है, की बिंदु। ये था मैप के साथ आपको समझाने की कोशिश की, आई थिंक समझ आया होगा दोस्तों, ये पॉइंट्स सारे याद रखने हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु ये पूछ रहा है, मतलब सबसे सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु मतलब नीचे, मुख्य भूमि नहीं, द्वीप समूह है दक्षिण बिंदु पे, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट नाम है इसका। और ये कौन से द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार पे है, ग्रेट निकोबार मतलब महान निकोबार द्वीप समूह। तो ये दोस्तों यहाँ पे राइट होगा आपका, सी आंसर राइट होगा, और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया और एमपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो अभी हमने बात किया था सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी दोस्तों ये आंसर आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा, आंसर सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, ये आंसर आप डी कर दीजिए, इसमें क्या है, डी आंसर राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ आईएएस प्री 2015 में आया हुआ है। अब बारे बात करेंगे, भारत का सुदूर दक्षिण पश्चिम बिंदु है, सुदूर दक्षिण पश्चिम बिंदु, तो 68 डिग्री 7 मिनट और ये कौन सा है, पूर्व है या पश्चिम रहेगा, ध्यान रखना हमें, पूर्व में भारतीय भारत जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, तो इसे पूर्व ये मत कर देना कि गुजरात पश्चिम में स्थित है, इसलिए तो भारत कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे है आपका भारत की स्थिति, तो ये कौन सा हुआ, उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में, और ये पूर्व हो गया पृथ्वी का, ये पूर्वी भाग ये पश्चिमी भाग, तो भारत कहाँ स्थित है, पूर्वी भाग में, तो इसलिए जो ये अपन लेंगे तो ये देशांतर रेखाओं में कहाँ स्थित हो गया, पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सही सह होगा, आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं आया फिर से समझा देते हैं। ये दोस्तों ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये पृथ्वी को दो भागों में बांटा, तो ये पूर्वी और ये पश्चिम, तो भारत किस तरफ है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, ये पश्चिम भी दे रखा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए, जल्दीबाजी नहीं करके, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एमपीपीसीएस में 2008 में। तो ये पीसीएस के क्वेश्चंस थे दोस्तों, इस तरह से हम कंटिन्यूस पीसीएस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, और हमारे चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।